एक कांकर नंदी महाराज सामने जो पारेवा लाइन का है, पारेवा का ढालिया और ढालिया का ये है जो जस्ट जो मुजड़े कलर का आप देख पा रहे हैं। अभी कितने समय का है भाई, कितने साल हुआ इसको? तीन साल। देखो ये पूरा फार्म गौ माताओं से भरा हुआ है। वाह भाई वाह, ये नजारा देखो भाई। जय गो माता जय गोपाल, देखो भाई वाह वाह वाह, धन्य हो गए भाई। और इसी साइड भी देख लो भाई, वाह भाई वाह। देखो भाई ये जयराम भाई देसाई की ये गोवंश है, आप इसकी खूबसूरती देख लो, उसी से आपको अंदाजा लग जाएगा। देखो ये कितनी अष्टपुष्ट और सिंह और मुंह से जो उसकी खूबसूरती है आप देख लो भाई। वो पहाड़ से यहाँ पर आया? हाँ यहाँ पर आया। टीना भाई रबारी? हाँ टीना भाई रबारी। तो ये डायरेक्ट पारे होगा है या उसका बाप का नाम क्या है? याना बाप का नाम ढालिया है। ढालिया? ढालिया। और ये ढालिया का डायरेक्ट? हाँ, ये है ढालिया का ही। देखो भाई ये भी कांकरेज गायों का एक गढ़ माना जाता है, डालड़ी गांव यहाँ से आया है। ये कितने यहाँ से आप नजर मारो भाई, गाय कितने हैं देखो यहाँ से, वाह भाई वाह। चलो मैं आपको नजारा पूरा यहाँ से थोड़ा मैं हाइट बॉडी जो लेंथ है भाई, वाह भाई वाह, एकदम शांत है, एकदम किसी को ये अग्रेसिव किसी पे नहीं होती, कुछ ही नहीं। देखो भाई ये अभी बियाई हुई है ना, बलद है। अच्छा यानी कि ये सभी चारा दाना? हाँ। उठाने हैं तो ये रखते हैं ना? हाँ। वो भी बोले ना? हाँ, एक आ रहा पास। एक ये भी है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। तीन है, तीन तीनों तीन भाइयों। जय गौ माता जय गोपाल वंदे गौ मातरम। मित्रों आज हम आ चुके हैं सुईगाम, ये बनासकांठा का तहसील है सुईगाम तहसील। तो ये सुईगाम तहसील का दुधवा गांव है, दुधवा गांव की ये दुधेश्वर गौशाला है और यहाँ पर गौवंश अनमोल है और कुछ सिलेक्टेड अच्छे अच्छे रूपण यहाँ पर कांकरेज गौवंश है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, और कितने गौवंश है और कैसे कैसे यहाँ पर वो हम दिखाने की कोशिश करते हैं। तो भाइयों यहाँ पर देखो ये गायों के लिए वैसे ये स्वर्ग जैसा माहौल है, क्योंकि यहाँ पर गायों को रहने के लिए जो व्यवस्था है अद्भुत है, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा शेड है देखो भाई, यहाँ पर भी है पीछे की ओर भी है, और आप आगे जहां भी नजर मारेंगे क्योंकि इससे तो ज्यादा शेड उसी की ओर है उसी साइड, तो व्यवस्था अच्छी है। और टोटल गोवंश कितने भाई? टोटल गोवंश 2000 टोटल गोवंश है यहाँ पर। तो सर्वप्रथम यहाँ से यहाँ पर शुरू कर लो, एक कांकरे नंदी महाराज सामने जो पारेवा लाइन का है, पारेवा का ढालिया और ढालिया का ये है जो जस्ट जो मुजड़े कलर का आप देख पा रहे हैं। अभी कितने समय का है भाई, कितने साल हुआ इसको? तीन साल। ये 3 साल का है और खूबसूरती आप देख लो उसकी, अद्भुत है। और जस्ट बगल में यहाँ पर काबरे कलर का नंदी महाराज है, इसकी भी सुंदरता अच्छी है और रूप में भी अच्छा है, और ये तो भाई सबसे अलग है। तो सभी गायों की सेवा अच्छी होती है, सभी गाय सभी जहाँ पे आप नज़र मारेंगे सभी गौवंश तंदुरुस्त है, यानी कि किसी के अंदर वीकनेस दुबलापन यहाँ पर नहीं है। तो अंदर जाते हैं और यहाँ का नज़ारा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो भाई वीडियो को लाइक करो शेयर करो, और सभी भाई से रिक्वेस्ट है कि आप हमें फॉलो या सब्सक्राइब करना या ना करना वो आपकी मर्जी, लेकिन अच्छी कॉमेंट कर लो ठीक है। तो अंदर का पूरा नज़ारा आपको दिखाते हैं। क्या नाम है आपका? लाला भाई देहे। लाला भाई देहे। तो टोटल यहाँ पर कितने गोवंश है? 2000 गोवंश है ना? 2000। और ये जलाराम गौशाला है? जलाराम गौशाला नहीं, चौथी शाखा। ये जलाराम गौशाला की शाखा है ना? हाँ, जलाराम। जैसे कि बापर तहसील में एक जलाराम गौशाला है, जैसे बगल में एक हरिताम गौशाला है, और एक तीसरी भी कौन सी? माधेपुरा गौशाला, और ये है चौथी दुधेश्वर गौशाला। तो ये पूरा हैंडलिंग ये जलाराम से ही होता है? जलाराम। तो यहाँ पर टोटल 2000 गोवंश है, छोटे बड़े 2000 गोवंश है ना। तो बांधकाम तो अच्छा है, गायों के लिए रहने के लिए भी ये चारा दाना सब कुछ मिल जाता है? सब मिल जाता है ना? हाँ मिल जाए। तो आज यही गौ सेवक आज हमें यहाँ पर जो बुल है कुछ अच्छे रूपण बुल है वो हम दिखाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर भाइयों नजर मारो आप, गोवंश बहुत ही अधिक मात्रा में है।
जयराम भाई की गाय। ये जयराम भाई देसाई की गाय है ना? हाँ। देखो भाई ये जयराम भाई देसाई की ये गोवंश है। अभी आप इसकी खूबसूरती देख लो, उसी से आपको अंदाजा लग जाएगा। देखो ये कितनी अष्टपुष्ट और सींग और मुंह से जो उसकी खूबसूरती है आप देख लो भाई। ये वाला नंदी है टीना भाई का। ये टीना भाई का है? वो बाहर से ये अग्रेसिव है, ठंडे स्वभाव है। हाँ। मारता है क्या? मारा थोड़ी, ये हम कांकरेज है ना, इसलिए। हाँ हाँ, यानी कि कांकरेज है तो थोड़ा बहुत ये अग्रेसिव ऐसा होता ही है, लेकिन भाई खूबसूरती अद्भुत है। वो पहाड़ से यहाँ पर आया? हाँ, यहाँ पर आया टीना भाई रबारी। हाँ, टीना भाई रबारी। तो ये डायरेक्ट पारेओ का है या उसका बाप का नाम क्या है? याना बाप का नाम ढालिया है। ढालिया? ढालिया। और ये ढालिया का डायरेक्ट? हाँ, ये है ढालिया का ही। तो देखो ये डायरेक्ट ढालिया का है और लाइन है पारेओ लाइन। कितने समय का है भाई? इन्हें 5 साल से यहाँ से। 5 साल से यहाँ से? ना ना, तो लाया। अच्छा, तो अपन अंदाजा मारे तो 6 साल का हुआ ना? हाँ, 5-6 साल। और कितने बच्चे दिए अभी? बच्चे दिए उन गायों को नहीं बधी भी है नहीं। अच्छा, कितने गाय भी आई होगी? गाय भी है उन 200। 200 गाय? हाँ। ये टालिया का? हाँ, ये इसका है ना डायरेक्ट? हाँ, इसका। तो बच्चे कैसे आ रहे रूप में? बच्चे जोरदार। अच्छा, बच्चे भी अच्छे आ रहे हैं। हाँ। तो बच्चे भी भाई हम आपको दिखाते है। एमो पास गाय कोई हारी ना हो, बच्चा फेरावे कोई गाय हारी हो, खोदो हारो हो तो बच्चे एकदम मस्त आवे जी। यानी कि गाय सुंदरता में अच्छी हो और ये बुल से गाभिन हुई हो तो सोने पे सुहागा, यानी कि बच्चे अच्छे आते हैं। और कुछ गाय कमजोर है दिखने में तो थोड़ा बहुत 20-21 हो जाता है ना। हाँ। भाई यहाँ पर आप नजर मारो कांकरेज गौ माता के, आप मैं यहाँ से आपको दर्शन करवा लू। आप यहाँ से नजर मारो, देखो ये पूरा फार्म गौ माताओं से भरा हुआ है। वाह भाई वाह, ये नजारा देखो भाई। जय गो माता जय गोपाल, देखो भाई वाह वाह वाह, धन्य हो गए भाई। और इसी साइड भी देख लो भाई, वाह भाई वाह। और यहाँ पर एक बड़े सिंह वाले गौ माता, ये कांकरे जी। सभी कांकरे जी है, लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर कोई बुल पे फोकस नहीं करता। गाय बनती है अच्छे बुल से बनती है, गायों का रूप भी अच्छे बुल से आता है। हाँ, बुल से, दूध भी अच्छे बुल पे आता है। और जो ये किसान भाइयों के पास होती है, जब गर्मी में आते हैं तो रास्ते पे कोई भी बुल खड़ा हो उसे गाभिन करवा लेता है बस। तो तभी ये एंडी गाय बन जाती है, जैसे कि कुछ उसके अंदर सांचुरी जैसी है, कुछ थारपारकर जैसी है, कुछ साहिवाल जैसी है, हरियाणवी जैसी है। ये सब जो कलर देख पा रहे हैं, ये कांकरेज गायों का कलर है ही नहीं वास्तव में। देखो यहाँ पर भी है। तो मोस्ट ऑफ ज्यादातर सभी गोवंश इसमें आ जाता है ना? आ जाता। बरसात के मौसम में, अभी बरसात चालू है लेकिन ज्यादातर ये गोवंश इसके अंदर आ गए। हमारी गायों आई रहता शेड एमने खाली पड़ा है। अच्छा, गाय इसके अंदर आने के बाद भी जगह बचती है ना? हाँ, जगह बचती है खूब। और देखो भाई ये साफ सफाई अच्छी है। ये बीचों बीच तालाब कैसे बना भाई? ये तालाब? तालाब या गौ माता ने पानी पीवत स्पेशल गायों के लिए पानी पीने हेतु रखा है स्पेशल गायों माते। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये पानी तो डायरेक्ट आपके पास बोर होगी ना? बोर होगा ना? बोर है, बोर है, 1000 फुट ना? 1000 फुट का बोर भी है ना? अच्छा, तो इसके अलावा और नंदी महाराज है कोई? हाँ है, इसके अलावा और नंदी महाराज भी है। ये नंदी महाराज है, हमारा बच्चा है वावड़ो, इसके बच्चे भी है ना? हाँ। इसके अलावा कोई बड़ा नंदी जो बोल रहे थे आपके यहाँ पर, 2 नंदी महाराज है तो इससे ये बड़ा है ये? हाँ, और ये बड़ा है। और भी बड़ा है कोई? आंथी से नाना है। वो कौन सा है? ये बीजा है, इसे डालड़ी से लाया है। वो कहाँ पर है? ये आ रहा है बीजा आगल। अच्छा, चलो तो आगे देखते हैं भाइयों। ये डालड़ी से, ये सोफासन से आया? हाँ, ये सोफासन से आया। हाँ, ये और वो डालड़ी से आया ना? हाँ। चलो भाई, आप ही कितने समय से यहाँ पर? उन्हें 4 साल से। 4 साल हो गए ना? 4 साल यहाँ पर भाई को 4 साल हो गए है। वाह भाई वाह, ये भगवान की कृपा होती है भाई। इतने गायों को ये संतुलित आहार दाना ये सब ऊपर वाला की दया होती है, ऊपर वाला की कृपा होती है तब इतना मिलता है। ये डालड़ी से आया ना? वाह भाई वाह। देखो भाई ये भी कांकरेज गायों का एक गढ़ माना जाता है डालड़ी का, यहां से आया है।
ये कितने समय का है भाई? गौशाला में लावल गौशाला में एक साल थिया है अभी। एक साल से और पानी पहला हमारे हरिदम गौशाला था पापर जोड़े हरिदम गौशाला हरिदम गौशाला में थे ना पहले। अच्छा ये थी पशाई लाए वहां से डायरेक्ट यहाँ पर आ गया। अच्छा ये छोटे उम्र में दूध कम मिला तो थोड़ा कमजोर है वो सभी तरह से तंदुरुस्त है। वाह भाई वाह यहाँ से अब नजर मारो भाई गाय कितने हैं देखो यहाँ से। वाह भाई वाह चलो मैं आपको नजारा पूरा यहाँ से थोड़ा मैं यहाँ से दिखा लेता हूँ भाइयों को थोड़ा नजारा दिखाना चाहता हूँ। देखो भाई यहाँ से मैं आपको देखो भाई यहाँ से आप नजारा देख लो। वाह भाई वाह एक ही जगह पर पूरी लाइन में इतनी अधिक मात्रा में गायों के दर्शन भाई दुर्लभ है। और गुजरात और बनासकांठा गायों के लिए तो भाई सेवा यहाँ पर अच्छी होती है। देखो जय गो माता जय गोपाल तो उसके रिजल्ट है बच्चे छोटे छोटे वो कहाँ पर है? ये वो ऊपर वाड़ा ऊपर है यार। चलो वहां पर जाते हैं तो ये बुल के जो बच्चे हैं वो हम देखने की कोशिश करते हैं। तो भाई साहब ये सभी गौ माता है वो सभी दूध देती है? सभी दूध देती है। तो देखो भाई यहाँ पर गौ माता अच्छी है रूप में है जी, जी। देखो और यहाँ पर भी है मुजड़ी कलर की गौ माता। देखो स्वभाव कैसा भाई शांत है एकदम एकदम शांत स्वभाव भी एकदम शांत है और सुंदरता भी देख लो भाई वाह हाइट बॉडी जो लेंथ है भाई वाह भाई वाह एकदम शांत है एकदम किसी को ये अग्रेसिव किसी पे नहीं होती कश्यो ही नहीं। देखो भाई ये अभी बियाई हुई है ना माने बिया घणो टाइम थी जे बीजे का एक दूसरे का बच्चा है ना। अच्छा अभी दूध देती है? देती। कितना दूध देती है कोई आईडिया है? 4 लीटर है। 4 लीटर 4 लीटर एक आंचल खराब है? एक आंचल खराब तीन आंचल से ना अद्भुत है। और ये नंदी महाराज ये आपने आयनो उशर करल है तैयार था रो। अच्छा यानी कि खुद यहाँ पर तैयार कर रहे हैं आरिज गए नो तैयार था रो। अरे बाप कौन है इसका? बाप आपने पहला जो है ना वो टीना भाई वाला सुभाषण वाला। हाँ सुभाषण वाला। अच्छा और जैसे कि वहां पर भी गौ माता है कुछ यहाँ पर कैसे क्रॉस भी है लेकिन यहाँ पर तो मुख्य काम है गायों की सेवा करना। तो किसी न किसी अंदर जो तकलीफें होती है तो वैसे सेवा तो सेवा ही है। यहाँ पर भी अच्छी गौ माता देख लो ये भी गौ माता अच्छी है। देखो बेल महाराज है। हाँ वो बेल महाराज है। आपने ये क्या आकी है? ये छोटे है ये क्या कौन ये के बलद है? अच्छा यानी कि ये सभी चारा दाना हाँ उठाने हैं तो ये रखते हैं ना? हाँ देखो भाई सिंह सबसे बड़े है कांकरे जी है कांकरे जी है। और यहाँ पर भी गौ माता अच्छी है देख लो अद्भुत। तो वहां पर आप छोटे बच्चे देख लेते हैं। हाँ। तो सर्वप्रथम आप यहाँ पर नंदी महाराज देख पा रहे हैं इसकी खूबसूरती देख लो पहले उसका जो सर का भाग है और मुंह और कान ये सबसे अलग दिख रहा है देख लो। जब हम बोलते हैं माथे की मठावटी सर की जो मठावटी भाई अव्वल है भाई अव्वल है। ये जो हमने आपको दिखाई जो सामने खड़ी है ये वाली गाय इसी का बेटा है ना? हाँ। ये वाली गाय का ये वाली गाय और ये टीना भाई का जो काला नंदी है हाँ। इसी का रिजल्ट है अद्भुत है। तो ये आप यहाँ पर तैयार करते हैं गायों के लिए? गायों के लिए ना गाय जैसे कि वो गाय का दूध है 3 वॉचल से 4 लीटर ना तो वैसे ये 6 लीटर तो हो जाता है इसका दूध ठीक है। तो वैसे बुल अच्छा है सुंदरता में अच्छा है और अपन सेवा करते उसी प्रकार दूध मिलेगा बस। तो सबसे अच्छा तो इसी यही है हमारी गाय जो हारी हो तो हरा बच्चा पैदा था हरा बच्चा पैदा था।
यानी कि ये गायों पे तो अपन ऐसा कह नहीं सकते, जैसे कि कोई गाय दुबली पतली हो उसके अंदर वीकनेस हो और बुल मजबूत है, बुल यानी कि उसकी जो जेनेटिक ट्रांसफरेबिलिटी अधिक है तो वो डायरेक्ट बुल पे चला जाता है। और एक यहाँ पर भी अच्छा बुल है, ये वाला बीचो बीच रहा, ये वासड़ी है ना, तो बुल एक ही है और सभी ये बुल है, पासड़ है बुल, वो भी बुल है ना, एक आ रहा पासड़, एक ये भी है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, तीन है, तीन तीनों तीन मजबूत है। तो ज्यादातर यहाँ पर हरा चारा मिल जाता है क्या, सूखा चारा ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? हाँ, लीली चारा आवे है, हरी चारा भी मिल जाती है ना, वो सब कहाँ से आती है? दो गाड़ी आवे, डिशा से आवे, सभी डिशा से आती है, सभी वो सब जलाराम गौशाला की ओर से आती है? जलाराम गौशाला की। अच्छा, तो पूरे दिन में दो गाड़ी आती है? दो गाड़ी। अच्छा, और यहाँ पर कितना खर्चा होता होगा, कोई आइडिया है आपको? मैंने कोई आइडिया नहीं है, वो सब मैनेज करते हैं जलाराम गौशाला, जलाराम गौशाला। अच्छा, वाह भाई वाह। तो भाई देखो, ये गायों के लिए रहने के लिए अच्छी जगह है, और अभी बरसात चालू है भाई, और हम ये फार्म के अंदर बैठे बैठे ये सब वीडियो शूट कर रहे हैं। तो भाई साहब, आपने सभी गायों का दर्शन भी अच्छे करवाए, और जो आपके आपके हिसाब से जो आपकी जानकारी थी वो भी अच्छी थी। तो जय गो माता, जय गो माता, जय गोपाल।